नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी भोपाल से नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दी है। रेलवे के इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी गई हो एक ही जगह से एक ही बार में। लेकिन मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और खासतौर से भोपाल के लोगों के लिए इन वंदे भारत ट्रेनों की क्या अहमियत है, ये हम आज बात करने वाले हैं। हमारे साथ भोपाल के रहने वाले कुछ ऐसे बाशिंदे मौजूद हैं जो आज वंदे भारत ट्रेन के इस सफर में यहाँ पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जा चुके हैं हरी झंडी दिखा करके ट्रेनों को। जो मुसाफिर ट्रेन में थे वो निकल चुके हैं यहाँ से। जो आगे भविष्य में इन ट्रेनों का लुत्फ उठाएंगे उन तमाम लोगों से हम बात करते हैं कि इन ट्रेनों के मिलने से भोपाल के लोगों को क्या राहत मिल सकती है या क्या सौगात है, कितनी बड़ी सौगात है ये मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, भोपाल के लोगों के लिए वंदे भारत ट्रेनों का मिलना। ये बहुत बड़ी मध्य प्रदेश इसमें भोपाल शहर को मोदी जी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी है। यहाँ से दिल्ली जाना हो, दिल्ली से भोपाल आना हो, समय कम लगेगा, फूली गाड़ी एसी है। और सबसे बड़ी उपलब्धि यह है हमारे देश में बनी हुई है ट्रेन वंदे भारत, जिसकी डिमांड पूरे विश्व में आ रही है। हमें यहाँ से इंदौर जाना हो, बाबा महाकाल के दर्शन करना हो, वहाँ से किसी को भोपाल, वहाँ के ज़्यादातर लोगों की कनेक्टिविटी इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर, और यहाँ से जबलपुर और जबलपुर से भोपाल, और यहाँ से भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल। कमलापति एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा है, बड़ी उपलब्धि हम लोगों को हमारे भोपाल शहर को मिली है। यहाँ समय की भी बचत होगी और लग्जरी ट्रेन का आनंद भी लेंगे। और इतनी बड़ी उपलब्धि मोदी जी की जो कि अमेरिका से भोपाल आए, और इतनी बड़ी हम बात करेंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन आप लोग बताएं कि अभी तक तो है जैसे भोपाल से दिल्ली जाना हो तो अभी तक एक शताब्दी इकलौती ऐसी ट्रेन थी जिस पर ज़्यादा भरोसा होता था कि एक ही दिन में सुबह सुबह वो आप यहाँ बैठो, दोपहर में शाम तक रात तक दिल्ली पहुँच जाओ। वंदे भारत एक्सप्रेस से कुछ फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, निस्संदेह। समय की बचत होगी। सबसे पहला तो काम यही है नए वंदे भारत ट्रेन का कि 4 घंटे की दूरी को 3 घंटे और 3 घंटे की दूरी को 2 घंटे, 7 घंटे की दूरी को 6 घंटे में तब्दील कर दिए। और ये भारत में बनी हुई संपूर्ण स्वदेशी ट्रेन है तो निश्चित जो भी यात्री रहेंगे उनको ये फायदा होगा कि जिनको जल्दी पहुंचना है, आवागमन की सुविधा है, शीघ्र पहुंचेंगे, शीघ्र आएंगे। और आने वाले समय में जो है, अभी तो एक ट्रेन चल रही है जैसे कि आपने शताब्दी का कहा है, अब वंदे भारत आने वाले समय में मोदी जी जो है बुलेट ट्रेन भी चलाएंगे जिससे दूरी 4 घंटे की दूरी 2 घंटे में तय होगी। और हमें सबको पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से वंदे भारत की सौगात मिली, आने वाले समय में हमें बुलेट ट्रेन की सौगात मिली। इससे पहले जो वंदे भारत चलती है दिल्ली के लिए, आप बैठे उस वंदे भारत एक्सप्रेस में? बैठे? हाँ बैठे हैं। अच्छा। और बहुत बढ़िया सुविधा, बहुत अच्छी है। अच्छा। मतलब बहुत आराम, रिलैक्स। मतलब आप इतनी दूर की दूरी तय करके अपन पहुंचते हैं घर तो थकावट हो जाती है, उसमें थकावट का कोई रोल ही नहीं है। अच्छा। बहुत सुकून का है, आराम से आप आइए उतरिए, ना कोई भीड़ भाड़ ऐसा भी कुछ नहीं। और जो सुविधाएं वो भी अच्छी है, जैसे कि खाने की, पानी पीने, जो भी कुछ है, लाइट बात सब क्लियर। शताब्दी राजधानी में वैसा ही है, वैसा है। तो शताब्दी से ज्यादा बेहतर क्यों लगती है आपको ये ट्रेन वंदे भारत? शताब्दी से बेहतर है क्या है? शताब्दी से बहुत ही बेहतर है क्योंकि नए भारत की नई ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है। हमारे मोदी जी का जो विजन है मेक इन इंडिया को पूरा करते हुए भारत की ऐसी ट्रेन है जो पूरे विश्व में जिसकी डिमांड आ रही है। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी ट्रेन भी हमारे क्षेत्र में चलेगी, हमारे देश में हमें ऐसी ट्रेनें देखने। इससे पहले जो रानी कमलापति से दिल्ली के लिए शुरू, इसमें बैठे? हाँ, मैं उसमें बैठा हूँ। उसमें हमको बैठे बैठे कब हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि हम दिल्ली पहुंच गए। ट्रेन का जो सफर लंबा हुआ करता था वो सफर, एक तो डिस्टेंस कम हो गया है, समय कम हो गया है, और जो सुविधाएं हैं, सुविधाएं बिल्कुल भरपूर उसमें सुविधाएं हैं। आपको ऐसा लगेगा आप जैसे प्लेन का सफर कर रहे हैं, आपको उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम पुरानी जो हमारी 70 साल पुरानी, 80 साल पुरानी, 100 साल पुरानी ट्रेन है उनमें बैठे हैं, और आज की जो वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं तो जमीन आसमान का अंतर है। पूरे देश में मोदी जी को यही ट्रेनें चेंज करनी चाहिए, जो पुरानी ट्रेनों को बदल के पूरी नई वंदे भारत ट्रेन होनी चाहिए हर जगह। ज्यादातर इंदौर जो या भोपाल जो लोग जाते हैं वो तो सड़क मार्ग के जरिए जाना पसंद करते हैं, तो वंदे भारत में आप लोग अगर आप कभी चुनते हैं तो वंदे भारत को क्यों चुनेंगे ये बताइए। तो सर समय भी कम लगेगा और आरामदायक सफर हो पाएगा, उसका कारण है क्योंकि जो बसों में किराया लग रहा है उससे कम किराए में अपन वहां पहुंच जाएंगे और आरामदायक, ना थकावट होगी ना कोई दिक्कत होगी। और सड़क मार्ग से दुर्घटना की संभावना रहती है, रेल मार्ग से कोई दुर्घटना की संभावना नहीं रहती सर। ये और बहुत अच्छा मुमकिन है। ये बताइए आप लोग कि 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश को मिल गई, तो हम सिर्फ भोपाल इंदौर भोपाल जबलपुर की बात नहीं करें, इनके बीच के भी कई ऐसे स्टेशन हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा क्योंकि वहां पे ना राजधानी जाती है ना शताब्दी जाती है। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि जैसे अगर आप जबलपुर से भोपाल आते हैं तो गाडरवाड़ा एक छोटा स्टेशन पड़ता है,
वहाँ के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वंदे भारत मिलेगी, तो अब आप कैसे देखते हैं इस, क्या ये एक इस मॉडल को कैसे देखेंगे आप? मोदी जी का सपना है कि जो सुविधा एक VIP सुविधा बड़े लोगों को मिल रही है, वो एक छोटे लोगों को मिले, छोटे गांव में मिले, उसी के तहत ये मोदी जी ने ये सपना पूरा किया। छोटी जगह पे भी वंदे भारत पहुंचेगी, उनका भी उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे ये छोटी सी जगह से वंदे भारत हमें मिलेगी। ये मोदी जी का सपना था कि जो सुविधाएं बड़े लोगों को मिल रही है वो छोटे गांव में भी मिले, और जैसे हर जगह रोड पहुंचाइए ऐसे ही वंदे भारत, एक दिन वंदे भारत हर जगह पहुंच जाएगी। वंदे भारत ट्रेन जो सर्वसुविधा युक्त है, वाईफाई से कनेक्टिविटी हर चीज इसमें उपलब्ध है, तो इससे यात्रियों को काफी सुविधाएं मिलती है और काफी कनेक्टिविटी अच्छी कर दी है, मजबूत कर दी है, रास्ता सुगम कर दिया है। जबलपुर जाने में जहाँ 6 घंटे लगते थे वहाँ सिर्फ 4 घंटे में जबलपुर पहुँच जाएंगे। आप कभी इससे पहले वंदे भारत में बैठे हो जो दिल्ली से भोपाल के बीच में चलती है? जी जी बैठा हूँ। क्या अनुभव रहा? एक तो समय का बचत है, दूसरा वाईफाई सुविधा है, काफी कनेक्टिविटी, जो अपन कनेक्टिविटी छूट जाती थी वो कनेक्टिविटी कंटिन्यू रहती है वाईफाई में। तो जो यात्री हैं जो भोपाल स्टेशन पे मौजूद थे या फिर जो कार्यकर्ता है जो भोपाल के रहने वाले लोग हैं, तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि इस ट्रेन के आ जाने से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल अगर आप देखें तो इस ट्रेन के आने से जो सबसे बड़ा फायदा है वो है समय की बचत का। हाँ, ये जरूर मान के चला जा रहा है कि कुछ लोगों को इसका किराया थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आमतौर पर सड़क मार्ग के जरिए अगर देखा जाए तो आप भोपाल से इंदौर तक जाने के लिए कुल अगर सड़क मार्ग की हम बात करें तो जो टोल टैक्स आपको देना होता है वो करीब करीब 270 रुपए के आसपास होता है। 3 से 4 बड़े टोल पड़ते हैं अगर कोई आदमी सड़क मार्ग के जरिए भोपाल से इंदौर जाता है। तो ऐसे में 100-200 किलोमीटर की दूरी है, करीब 180 किलोमीटर मान के चला जाए, 200 किलोमीटर के लगभग लगभग इंदौर से भोपाल पड़ जाता है अगर सड़क मार्ग के जरिए जाते हैं। तो जितना खर्चा आपका अगर उसमें देखा जाए टोल टैक्स और ईंधन की कीमतों को मिला के, तो उसी कीमत पर एक शख्स भोपाल से इंदौर अगर सुविधाजनक रूप से ट्रेन में बैठ करके पहुंचा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा फायदा लोगों को जरूर मिल सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का। कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोग भी इस बात को मान रहे हैं, जो यात्री है वो इस बात को मान रहे हैं कि अगर हम बात करें तो भोपाल हो या फिर जबलपुर या इंदौर, इन तमाम जगहों के बीच में भी कई ऐसे रेलवे स्टेशन पड़ते हैं जहां के रहने वाले लोगों के लिए इस तरीके की ट्रेनों में बैठना अपने स्टेशन से एक पुराना सपना था, जो सपना आखिरकार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने से पूरा होने वाला है। क्योंकि जबलपुर से भोपाल के बीच में, भोपाल से इंदौर के बीच में कई ऐसे स्टेशन पड़ते हैं जहां पे कभी कोई VIP ट्रेन नहीं रुकती है, भले ही वो राजधानी हो या शताब्दी हो। ऐसे में इन जगहों पर रहने वाले लोग भी अपने क्षेत्र से अब इन अति VVIP टाइप की जो ट्रेनें होती हैं इसका लुत्फ उठा सकेंगे, और सुविधा संपन्न जो ट्रेनें हैं अब वो उनके स्टेशनों पर भी रुका करेंगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।